Hello dear students, एक और important question from the chapter polynomials for your final exams. बहुत important question, देखो क्या है. First part हमारा है कि a square plus b square plus c square दिया हुआ 30 और a plus b plus c 10. You have to find ab plus bc plus ca. Similar is the second one. उसमें ये दो चीजें दी है और third one find करनी है. तो सबसे पहले तुम लोगों ने ध्यान रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो तुमने आइडेंटिटी हमेशा यूज करनी है ये वाली a plus b plus c होल स्क्वायर की. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इनटू ab प्लस bc प्लस ca. ये सभी को मालूम है आइडेंटिटी. नाउ इस आइडेंटिटी को सबने याद रखना है और इसको कैसे ध्यान रखना है कि इसके तीन पार्ट्स हैं. इसको थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है. सो इसके थ्री पार्ट्स हमने ऐसे कंसीडर कर लेने हैं, थ्री पार्ट्स ऐसे बना लेने हैं. पहला पार्ट हमारा होगा a plus b plus c, दूसरा पार्ट हमारा होगा a square plus b square plus c square और तीसरा पार्ट होगा ab plus bc plus ca. जब भी ये तीन पार्ट्स में से दो पार्ट्स गिवन है और थर्ड पार्ट फाइंड करना है, ठीक है, तुमने ये ध्यान रखना है. व्हेनेवर टू पार्ट्स आर गिवन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द थर्ड पार्ट, ऑलवेज यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है. नाउ अब मैंने एक्सप्लेन किया, अब तुम लोग देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c भी दिया हुआ है, तो हम थर्ड पार्ट फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी. नाउ वी स्टार्ट विद a पार्ट. सो हमने लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, वहां पे लिखना भी ऐसी चीज है नहीं, यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c whole square. This is equals to a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ca. ये हमने लिया. अब हमारे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देख लेना क्या क्या हमारी ये वैल्यूज गिवन है. तो a plus b plus c हमारा कितना गिवन है, दिस इज 10. a square plus b square plus c square is 30. ये हमने फाइंड करना, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं और वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो a प्लस बी प्लस सी हमने डाल दिया 10, तो 10 का हो गया स्क्वायर, ये तीनों इकट्ठी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 30. 10 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी के, तो ये वैल्यू फाइंड कर देंगे हम लोग. तो ये कितना आ गया हमारा, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये 30 इधर शिफ्ट हो गया, फिर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के. गलती से 30 प्लस 2 मत कर देना, ठीक है. नाउ 100 minus 30 is how much? 70. So it is 2 into AB plus BC plus CA. So 2 हमने इधर shift कर देना है 70 के denominator में, तो हमारे पास value आ जाएगी AB plus BC plus CA. तो cut के कितना हो गया 35, तो हमारा answer आ गया AB plus BC plus CA is equals to 35. So है easy. Now coming to the second part. Second part भी बिल्कुल इसी तरीके से. अब हमने स्टार्ट किया सेकेंड पार्ट, उसमें देखो फिर से जैसे हमने देखा कि सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से दो चीजें गिवन है, a प्लस बी प्लस सी और ab प्लस bc प्लस ca 11 है और स्क्वायर फाइंड करना है. तो हमने यहाँ पे फिर इसी आइडेंटिटी को यूज करना है. तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने कैसे हम बी पार्ट हमने लिखना है. सो यूजिंग आइडेंटिटी, एग्जाम में भी तुमने आइडेंटिटी मेंशन करनी है वहां पर. तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca. अब सेकंड पार्ट में a प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस ca 11 है और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं वैल्यू, 6 का हो गया स्क्वायर, दिस इज ये फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दिया प्लस 2 टाइम्स इसको डाल दिया हमने 11, ठीक है. तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 22. ये 22 इधर शिफ्ट कर दिया, सो 36 माइनस 22 ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. दैट मींस यू कैन सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14. तो समझ आ गया बच्चे, देखो कितना इजी है. बस ये तुमने ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द आइडेंटिटी, तीन पार्ट्स में तुमने डिवाइड करना है, टू पार्ट्स विल बी गिवन, थर्ड पार्ट यू विल बी फाइंडिंग आउट यूजिंग द आइडेंटिटी. तो अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे नए वीडियो आएंगे तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.